हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। 23 सितंबर 2019 की प्रीलिम्स ब्रिटिश सीरीज में आपका स्वागत है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप अनअकैडमी पे कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करते हो। देखो, अगर आप कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करो अनअकैडमी पे, तो वहाँ आपको लाइव क्लासेज मिलती हैं। इसी के साथ ही आपको टेस्ट सीरीज है वो भी प्रोवाइड करवाई जाती है, और आपको डिस्कशन है वो भी वहाँ पे मिलेगी क्वेश्चंस की, और आप वहाँ पे मेंस के आंसर राइटिंग वगैरह की प्रैक्टिस है वो भी कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट जो फैकल्टीज हैं वहाँ पे, उन सब के वीडियोस वगैरह, लेक्चर्स है वो सब आप वहाँ पे देख सकते हो। उनसे लाइव क्वेश्चंस वगैरह है वो पूछ सकते हो। तो अगर कोई भी प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हो प्लस इनिशिएटिव के तहत, तो आप अगर रेफरल कोड यूज करोगे देवेंद्र सिंह 27, तो आपको उसको में 10% ऑफ है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। पहली जो न्यूज़ आई है हमारी, वो आई है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो गया लाभ का पद। अब ये काफ़ी बार लक्ष्मीकांत में आपने भी पढ़ा होगा कि भाई लाभ का पद है वगैरह वगैरह, बहुत बार सुना होगा डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह। तो हम ये देखते हैं कि लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या। देखो, कोई भी एमपी हो या कोई भी एमएलए, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद में, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कोई भी एमपी हो या एमएलए हो, अगर वो गवर्नमेंट का कोई ऑफिस या फिर गवर्नमेंट का कोई ऐसा बेनिफिट जो कि कोई ऑफिस अधिकारी को मिलता है वो बेनिफिट ले रहा हो, तो वो पद बेसिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी क्लियर मेंशन नहीं है। मतलब कि संविधान में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में क्लियर मेंशन नहीं कि भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कौन कौन सी जॉब हैं वो आएंगी। पर बेसिकली आपको बता दूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इसी के साथ ही अगर हम और बात करें तो जो कैबिनेट मंत्री हैं, ये जो पोस्ट हैं ये बेसिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंक्लूड है, वो नहीं होती हैं। अब आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से सुनना, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे स्टेट की हो तो मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली या सेंटर में हो तो गवर्नमेंट है, उन दोनों ने कोई भी एक्ट बना दिया हो और पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कह दिया हो, जैसे मान लो कि कोई एक्स वाई जेड पोस्ट है, इसके लिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये एक्स वाई जेड जो पोस्ट है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आती है, तब बेसिकली उसके ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस या बोल सकते हो कि ये वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कानून बना के छूट है, आप ये बोल सकते हो कि उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद से हटा दिया है उस पोस्ट को। अब देखो, ऐसा क्यों किया गया है? देखो, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो भी संविधान निर्माता थे उन्हें पता था कि आगे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और स्पेशली जो पॉलिटिशियन है वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें, इसके लिए उन्होंने ये प्रावधान किया कि कोई भी जो पॉलिटिशियन है, एमपी एमएलए हैं, वो बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट विभाग, चाहे गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर यूनिट हो या फिर और भी कोई गवर्नमेंट का ऐसा मेथड हो जिससे उनको बेनिफिट हो सकता हो या फिर उनके इंटरेस्ट सोल्व हो रहे हो, वो पद बेसिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के नाम से जाना जाएगा, और उस पोस्ट पर वो विराजमान ना हो ताकि वो अपना काम न्यूट्रल होकर कर सकें, उनको कोई भी लालच वगैरह ना रह सके। इसके लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वर्ड का यूज है वो यहाँ पे किया गया है। अब देखो, बात ऐसी है कि अगर कोई भी पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पे जॉब कर रहा है या वहाँ उसका लाभ ले रहा है, कोई भी मंत्री कहने का मतलब, यहाँ मंत्री का मतलब नहीं, सॉरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलए, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोस्ट पे है तो वो एक्चुअली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यानी कि वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। वो अगर अपने चुनाव जीत के आया है तो वो वापस चुनाव कैंसिल हो जाएगा, उसे दोबारा से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कुछ कंडीशंस हैं। अब बात यह है कि जो बेसिक डिस्क्वालिफिकेशन की जो बात की गई है संविधान में, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी कि संसद में जो मंत्री होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेसिकली संसद सदस्य हैं, उनको आर्टिकल 102 के तहत डिस्क्वालीफाई किया जाता है, और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनको आर्टिकल 191 या 191 के तहत डिस्क्वालीफाई किया जाता है अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोस्ट विराजमान है। तो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है आदित्य एल1 मिशन को लेके। पहली चीज़ ये है कि इंडिया का यह मिशन है, उम्मीद की जा रही है कि 2020 तक इसको लॉन्च है वो किया जाएगा। ये जो इंडिया का मिशन है, ये पहला ऐसा मिशन है इंडिया का जो कि सन की स्टडी करने वाला है, यानी कि इंडिया का पहला सोलर मिशन है जिसका नाम है आदित्य एल1, जो कि नेक्स्ट ईयर लॉन्च करने की उम्मीद है वो की जा रही है। अब देखो, सन की डिफरेंट लेयर हैं, जिस तरीके से हमारी अर्थ में कोर है, मेंटल है, उसके बाद में क्रस्ट आती है बाहर, इसी तरीके से सन है, इसकी भी अलग अलग लेयर हैं। तो जो सन की जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं कोरोना। तो कोरोना है उसकी स्टडी करना, और कोरोना से पहले जो अंदर की एक लेयर है उसका नाम है क्रोमोस्फेयर। तो उन दोनों की स्टडी करने के लिए बेसिकली आदित्य एल1 मिशन है वो लॉन्च किया जाएगा।
होगा क्या, इस मिशन में एक सेटेलाइट लॉन्च किया जाएगा जो कि लैग्रेंज पॉइंट है स्पेस में, L1 अर्थ और सन के बीच में, वहाँ पे वो सेटेलाइट रहेगा और वो सन की स्टडी है वो करेगा। इसी के साथ ही देखो होता क्या है कि सन की जो आउटर लेयर है ना, वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब बोल सकते हो कि एक तरीके से आग के तूफान है वो उठते हैं, और उससे हमारी अर्थ के ऊपर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है, हमारे सेटेलाइट्स हैं वो ढंग से कई बार काम नहीं कर पाते हैं, तो उन सब की स्टडी है वो की जाएगी। अब बात क्या है, देखो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, और फिर हम देखते हैं कि L1 पॉइंट है वो क्या है। देखो L1 का मतलब है लैग्रेंजियन पॉइंट। लैग्रेंजियन पॉइंट वो होते हैं कि स्पेस के अंदर होते हैं बेसिकली, कोई भी दो बॉडीज होती हैं जैसे अर्थ है और एक हो गया सन, तो अर्थ और सन के बीच में एक कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे क्या होगा, किसी भी वस्तु को हम रख दें तो दोनों का इक्वल बैलेंस रहेगा, मतलब सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ही लगेगा जितना ही अर्थ का लगेगा। तो उस वाले पॉइंट पे क्या होगा, अगर किसी भी चीज़ को हम रखेंगे तो वो फ्री रहे, कॉन्स्टेंट रहेगी, इधर उधर भागेगी नहीं, उस पॉइंट को कहते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट। तो ऐसा अर्थ और सन इन दोनों के बीच में टोटल पांच ऐसे पॉइंट हैं जहाँ जिनको L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम बेसिकली लैग्रेंजियन पॉइंट कहते हैं। मतलब अगर इन पांच पॉइंटों पे हम कोई भी वस्तु रख दें तो वो इधर उधर कहीं नहीं भागेगी, सन और अर्थ के बीच में उसका बैलेंस बना रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से। तो उसी फोर्स में जो L1 पॉइंट है ना, वहाँ पे ये आदित्य L1 सेटेलाइट लॉन्च किया जाएगा और वो सेटेलाइट वहाँ पे जाके स्टडी करेगा, और इस मिशन का नाम है आदित्य L1 मिशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो इस तरीके से ये है, आप एक सेकंड रुको। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया सन और ये होगी हमारी अर्थ। तो सन और अर्थ के बीच में पांच ऐसे पॉइंट है, एक पॉइंट आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, एक पॉइंट आपको ये दिख रहा है, एक पॉइंट ये दिख रहा है, एक पॉइंट आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, और एक ये रहा। ये टोटल पांच ऐसे पॉइंट हैं कि अगर इन पॉइंटों पे कोई भी वस्तु रख दी जाए तो उसका अर्थ और सन के बीच में बैलेंस बना रहेगा, वो इधर उधर मूव है वो नहीं करने वाली है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि लैग्रेंजियन पॉइंट कौन से हैं और आदित्य मिशन है वो कौन से लैग्रेंजियन पॉइंट पे भेजा जाएगा, और काम क्या है उसका, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ERSS। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम है वो बेसिकली यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर के द्वारा लॉन्च है वो किया गया है, और ये जो मिशन है वो निर्भया फंड के तहत है लॉन्च किया गया है। देखो जब निर्भया केस हुआ था इसके बाद एक निर्भया फंड बनाया था गवर्नमेंट ने, इसका मोटो ये था इस फंड का कि हमारे देश में वुमेन सेफ्टी है इसको इंश्योर करना है, और इसके लिए इस फंड का यूज है वो किया जाएगा। अब बात ऐसी है कि अगर वुमेन्स के अगेंस्ट कोई भी क्राइम होते हैं, देखो ऐसा नहीं कि ओनली वुमेन की बात यहाँ पे की जा रही है, ये जो ERSS सिस्टम है ये ओनली फॉर वुमेन की बात नहीं है, बच्चों के लिए भी यहाँ पे, मतलब वुमेन और बच्चों के अगेंस्ट कोई भी ऐसा क्राइम हो रहा है और उन्हें लगता है कि हमारे अगेंस्ट मतलब कुछ भी ऐसा गलत हो रहा है, जैसे कि वो कैब में जा रहे हो या फिर कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो उन्हें कोई हरासमेंट का सामना करना पड़ा कुछ भी, तो ऐसे दौरान वो एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर है 112 जिसपे वो कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, या फिर वो एक एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन की हेल्प से भी वो कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। ये बेसिकली एक सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया गया है। अगर वो इस नंबर पे कॉल वगैरह करते हैं तो जो डिटेल होती है GPS वगैरह की सारी डिटेल, वो एक्चुअली जो वहाँ के नियर बाय पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे पहुँच जाती है, या आप बोल सकते हो कि ऑफिसर्स के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि भाई कहाँ पे कुछ क्राइम वगैरह क्या सीन है, तो फिर पुलिस की मदद वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा सकती है। तो इस तरीके का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम है वो डेवलप किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका मोटो क्या है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सेप्टेम्बर इक्विनॉक्स के बारे में। देखो यहाँ पे इक्विनॉक्स क्या है वो हम जानते हैं, इस बार UPSC ने एक क्वेश्चन भी पूछा था ज्योग्राफी को लेके, आपको आई होप ध्यान होगा। इक्विनॉक्स है क्या पहले वो देखते हैं। देखो आपको पता है कि जैसे ये हो गई हमारी अर्थ, ये हो गई हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ये हो गई हमारी मकर रेखा। सन आपको पता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही घूमता है, ये आपको अच्छे से पता होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा इस चीज़ को, कि सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में नहीं जाता और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में वो नहीं जाता है। अब है क्या, सन इक्वेटर को एक साल में दो बार क्रॉस करता है, एक तो करता है मार्च में और एक करता है सितंबर में। अब बात ऐसी है कि 23 सितंबर यानी कि आज के दिन सन है वो ट्रॉपिक ओ सॉरी जो इक्वेटर है हमारी इसको क्रॉस करके सदर्न एमोस्फेयर की तरफ है वो धीरे धीरे जाएगा, और उसके बाद दिसंबर में
वो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंच जाएगा, और फिर यहाँ से वापस धीरे धीरे आता हुआ यहाँ पे मार्स के अंदर वापस ट्रॉपिक ऑफ जो कि हमारी सॉरी इक्वेटर है इसको क्रॉस करेगा, और फिर इस तरीके से कर्क रेखा के यहाँ बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आएगा। तो इस तरीके से सन का जो मूवमेंट है वो चलता रहता है। तो आज के दिन आप ये बोल सकते हो कि सन है वो जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है उसकी तरफ एंट्री करना शुरू कर दिया है। अब होगा क्या, जो हमारा सदर्न हेमस्फेयर है या दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे गर्मियाँ पड़ेगी, और नदर्न हेमस्फेयर में धीरे धीरे सर्दी का मौसम या शीत ऋतु है वो आने वाली है। तो इक्विनॉक्स में ये क्या होता है कि दिन और रात है वो इक्वल हो जाते हैं। दिन है जितना लंबा दिन हो रहा है उतना ही लंबी रात है वो होती है नॉर्मली, मतलब दिन रात दोनों इक्वल हो जाते हैं। और ये अभी बेसिकली आता है, एक तो आता है ये, एक आता है बताइए कौन कौन से महीने में आता है। ये साल में 2 बार आता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो अभी सितंबर में है और एक आता है ये मार्च में, ये आपको फैक्ट है वो ध्यान रखने हैं। तो अभी होगा क्या, जैसे मैंने आपको बता दिया जो सारे पॉइंट्स हो, तो अभी आज के दिन है वो बेसिकली जो सितंबर इक्विनॉक्स है वो है, यानी कि आज के दिन सन लाइट है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे गिर रही है, और इसलिए अब वो धीरे धीरे साउथ की तरफ या सदर्न हेमिस्फीयर में एंट्री है वो करने वाला है। तो इस दिन को कहते हैं सितंबर इक्विनॉक्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कोल ब्लॉक। देखो एशिया का सबसे बड़ा कोल ब्लॉक है यह, और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कोल ब्लॉक है, जो कि इंडिया के वेस्ट बंगाल में, जगह का नाम है देउचा पंचमी कोल ब्लॉक, वहाँ पे है ये, आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली ये जो देउचा पंचभूमि को जो पंचमी कोयला ये जो ब्लॉक है ना, ये बेसिकली एक जगह है जिसका नाम है बीरभूम कोयला क्षेत्र, कोयला फील्ड, ये बीरभूम कोयला फील्ड है, इसी के अंदर है ये। और ये अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अभी इसको लेके न्यूज़ है वो आई थी, न्यूज़ बेसिकली ये थी कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो सीएम है वहाँ की, उन्होंने अभी प्रधानमंत्री को इनवाइट किया था कि वो देउचा पंचभूमि कोयला ब्लॉक का उद्घाटन है वो करें, इसी को लेके न्यूज़ है वो आई थी, जो कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कोल ब्लॉक है। तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, और एशिया का यह सबसे बड़ा है ये आप ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी कोल माइनिंग होती है एशिया की यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे बड़े कोयले के रिजर्व हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके। देखो सबसे पहली बात है कि एंटी डिफेक्शन लॉ है वो संविधान में पहले नहीं था, इसको 52 जो अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, उसके तहत जो 10th शेड्यूल ऐड किया गया था उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड है वो किया गया है। होता क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ में ये होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी और जो एमएलए हैं उनको बेसिकली, आप बताइए क्या होगा, आप सोच के देखिए एक बार, हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है वैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ है। देखो एंटी डिफेक्शन लॉ में आपको बताता हूँ है क्या क्या, जो कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है और कौन कौन से कंडीशंस में एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। देखो पार्टी के जो मेंबर होते हैं ना, जैसे मान लो कि कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं या मान लो बीजेपी के कोई भी मेंबर हैं, वो उनको पार्टी की बातें ही माननी होती हैं, वो पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। बट अगर कोई भी मेंबर पार्टी के अगेंस्ट जा रहा है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है, और फिर वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ये होता है बेसिकली। आपको बताऊं अगर कोई भी एमपी या एमएलए अपनी पार्टी से अपनी इच्छा से वॉलेंट्री यानी कि स्वेच्छा से रिजाइन दे देता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। दूसरी बात, दूसरा तब लगता है अगर कोई एमपी या एमएलए अपनी पार्टी की बातें नहीं मान रहा है, अपना जो लीडर है व्हीप है उसकी बातें नहीं मान रहा है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है या उनके अगेंस्ट वोट कर रहा है, तो उस कंडीशन में एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। और तीसरा तब होता है जब कोई निर्दलीय उम्मीदवार 6 महीने से पहले कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ में लेके और एक तरीके से डिस्क्वालीफाई है वो कर दिया जाता है। तो ये 3 तरीके हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के। अब बात ये आती है कि अगर कोई पार्टी टूट जाती है या फिर कोई एक पार्टी दूसरी में मर्ज हो जाती है तब क्या होगा। देखो इसका सिनेरियो है कि अगर कोई पार्टी मर्ज हो जाए, जैसे एक पार्टी टूट के दूसरी पार्टी में मर्ज हो रही है, तब उस पार्टी में एंटी डिफेक्शन लॉ लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारे के सारे मेंबर अगर जा रहे हैं तो इश्यू है ही नहीं। अदरवाइज ये है कि एक पार्टी टूट रही है, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर जो सपा की पार्टी है उत्तर प्रदेश में वो टूट गई थी, तो उस दौरान क्या हुआ था कि कम से कम 2/3 मेंबर टूट के दूसरी पार्टी में जाने चाहिए, यानी कि जितने मेंबर हैं ये मान लो कि 100 मेंबर हैं, तो 100 मेंबर के 2/3 मेंबर हैं वो इस चीज़ के फेवर में होने चाहिए कि हाँ भाई हम हमारी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर 2/3 से कम मेंबर ये बोलेंगे कि हम पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं
तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है, यानी कि कम से कम 2/3 मेंबर हैं वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं या नई पार्टी बनाएंगे तभी उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। और अब बात आती है कि भाई इसमें डिसीजन किसका सुप्रीम होता है। देखो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात ऐसी है, सारी जिम्मेदारी है वो स्पीकर की होती है लोकसभा में, और राज्यसभा में हम बात करें तो चेयरमैन की होती है, इनका डिसीजन फाइनल होता है। अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि स्पीकर या चेयरपर्सन के जो भी डिसीजन है उनके अगेंस्ट कोर्ट में जाया जा सकता है या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वहाँ वो आया है यहाँ पे लानसेंट चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसके जो फैक्ट हैं वो याद कर लेना प्लीज एंड प्लीज। देखो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी हर साल लगभग 1.04 यानी कि लगभग हर साल 13-14 लाख बच्चों की मौत है वो हो जाती है किससे, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से। ये यहाँ पे डाटा दिया गया है कि भाई इतने बच्चों की मौत है वो तो माल न्यूट्रिशन से हो रही है। अब बात ऐसी है कि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में 1990 में जितनी मौतें होती थी और अभी 2017 में जितनी मौतें हुई हैं उनमें काफ़ी कमी आई है, यानी कि इंडिया ने माल न्यूट्रिशन को लेके या फिर आप बात करो कि बच्चों की जो मौतें हो रही थी इनको लेके काफ़ी अच्छा काम है वो किया है, जो चाइल्ड मृत्यु दर थी इसको लेके भी इंडिया ने बहुत अच्छा काम है वो किया है। तो यहाँ पे इंडिया के काम को सराहा गया है। फिर आगे इसमें यह बताया गया है कि अभी भी हमारे देश में जब 5 साल के जो बच्चों की मौत होती है, मतलब वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनकी मौत होती है, उसके लिए 68% जो रीजन जिम्मेदार है वो माल न्यूट्रिशन है, यानी कि कुपोषण से अभी भी हमारे देश में 68% बच्चों की मौत हो जाती है 5 साल से पहले ही। इसी के साथ इसमें यह भी बताया गया है कि लो बर्थ वेट है वो भी हमारे देश में एक सबसे बड़ा रीजन है, इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि चाइल्ड डेथ के लिए जिम्मेदार है, यानी कि बच्चों का वेट है वो जन्म के टाइम बहुत कम होता है तो इस वजह से उनकी डेथ है वो हो जाती है। इसी के साथ इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भाई स्टेट को इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन पॉलिसी को लेकर आनी होगी ताकि सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और इस तरफ गवर्नमेंट है वो स्टेप उठाए। अब देखो आप में कोई न्यूज़पेपर में 2-3 बार कई वर्ड देखने को मिलते हैं, एक तो वर्ड आपको देखने को मिलता है स्टंटिंग, एक मिलता है आपको वेस्टिंग, और एक आपको मिलता होगा ओवरवेट, और एक मिलता है आपको अंडरवेट। देखो ओवरवेट का मतलब तो वेट ज़्यादा है और अंडरवेट का मतलब वेट है वो काफ़ी कम है। अब यहाँ पे बात आती है स्टंटिंग, स्टंटिंग का मतलब ये होता है कि बच्चे की जितनी एज है ना उसके हिसाब से उसकी हाइट नहीं है, मतलब बच्चा ठिकना रह गया जितनी उसकी एज है। जैसे कि 10 साल का बच्चा है तो उसकी हाइट होनी चाहिए मान लो 4 फीट, तो उसकी हाइट अगर 2 फीट ही है तो इसका मतलब क्या हुआ वो स्टंटिंग का शिकार है। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, बच्चे की जितनी हाइट है ना उसके हिसाब से वेट कम है, बच्चे की जितनी हाइट, ध्यान रखना वेस्टिंग का मतलब क्या है, जितनी हाइट है उस हिसाब से वेट कम है। बच्चे की हाइट मान लो 5 फीट है और उसका वेट है 30 किलो, तो वो क्या होगा वेस्टिंग, यानी कि उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट नहीं है तो वो आता है वेस्टिंग में काउंट। ये इनमें डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए, स्टंटिंग वेस्टिंग ये डायरेक्टली वर्ड कई बार आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो इसमें एक पॉइंट और आया था कि जो डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर रेट है हमारे देश में, यानी कि कुपोषण से जो आप बोल सकते हो कि माल न्यूट्रिशन से जो बच्चे विकलांग या आप बोल सकते हो कि दिव्यांग हो जाते हैं उनकी जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, और स्पेशली 7 स्टेट में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में। इसके बाद में आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड और त्रिपुरा में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है। अब आपके लिए आज कुछ क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि विंध्या और सतपुड़ा माउंटेन रेंज के बीच में कौन सी रिवर फ्लो करती है, पहला है गोमती, नर्मदा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सेकंड क्वेश्चन है वो आपके लिए वो ये है कि आपको बताना है कि वैदिक पीरियड है था उसमें जो वर्णा सिस्टम था उसका विरोध किसने नहीं किया, ये आपको यहाँ पे बताना है। कंडेम का मतलब ये होता है कि निंदा करना, जैसे जो अभी आज के हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आपको पता है पहले काफ़ी निंदा करते थे हमले की, तो उसी तरह होता है निंदा करना, मतलब कि आप एक तरह से बोल सकते हो कि उन्होंने उसका सपोर्ट नहीं किया उनके अगेंस्ट। तो ये आपको बताना है कि जो वर्णा सिस्टम था वैदिक पीरियड में उसकी निंदा इनमें से किसने नहीं की, बुद्धिज्म, जैनिज्म, बौद्ध, नन ऑफ द अबव। ये आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं, आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।